जय हिंद सभी को, राम राम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त हुआ। एक बार फिर से भूतपूर्व सैनिक, एक्सर्जनर, पेंशनर, रिटायर्डमेंट जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। जितने भी भूतपूर्व सैनिक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो और चाहते हो कोई भी वेलफेयर या कोई भी वैकेंसीज, कोई भी नियुक्ति सबसे पहले आपको मिल जाए, तो आज ही नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप में जुड़ जाइए। प्लस सब्सक्राइब का एक बटन होगा राइट साइड में नीचे, जो कि दोस्तों इस डब्बे के अंदर होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अभी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए। तो जितने ही भूतपूर्व सैनिक, एक्सीडेंट, पेंशन, रिटायरमेंट है, आज उनके लिए एक बड़ी बम्पर भर्ती आ गई है। मैं सारी जानकारी विस्तार से दूंगा, कैसे भरना है, कब अप्लाई हुआ, क्या पैसा मिलेगा, क्या सैलरी होगी, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, लास्ट डेट क्या होगी, ए टू जेड जानकारी सबसे पहले बता दूं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से भर्ती निकल के आई है। ये ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं से भी आप रिटायर्ड हैं, चाहे कोई से भी रैंक से रिटायर्ड है, लास्ट नायक, नायक, आप एनसीओ हो, जेसीओ हो, हवलदार हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये प्लाज्मा रिसर्च से निकल के आई है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च से निकल के आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि गांधीनगर में है, और वहाँ से ये भर्ती निकल के आई है ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं से भी, किसी भी कोने, किसी प्रदेश में रहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सी पोस्ट है इसमें, तो दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, 31 पोस्ट है दोस्तों, और ये बढ़ भी सकती है, टेंटेटिव है। लेकिन आगे बता दूं, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको इसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, और थोड़ा मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे बात करूं कि आपको एचआर मतलब हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, 18,000 रुपीज भी मिलेगा। ये एकदम अच्छी जॉब निकल के आई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अब मैं बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके पहले ये भी बताऊंगा कि आपका लास्ट डेट क्या होगा। तो बरकरार रहें वीडियो में, अंत तक देखें ताकि हर जानकारी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं एज लिमिट, तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन सभी है, जिसमें दोस्तों आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है, भूतपूर्व सैनिकों की जितनी भी एज है उसमें अपनी सर्विस को माइनस कर देना है, और एज 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एज होगी आपका 18,000, आपको सैलरी मिलेगी। किस जगह से भर्ती निकल के आई है, किस पोस्ट में आई, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते सिलेक्शन प्रोसेस, तो दोस्तों आपको एक रिटर्न एग्जाम भी फेस करना पड़ेगा, और रिटर्न एग्जाम में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूँ, किस लेवल का आएगा, कहाँ से आएगा। तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आपको मैथ का क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर और रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन रहेगा, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, आप किसी में भी दे सकते हो। एक्स सर्विसमैन का इसमें कोई भी फीस नहीं है, और ऑल इंडिया कहीं से भी आप हो अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक का कोई भी रुपीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी से, आर्मी मतलब कि 10th पास हो, और आपके पास सर्टिफिकेट है आर्मर्ड फोर्स का, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप फिर से सुन लीजिए, ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंडियन आर्मी से किया हुआ है, सर्टिफिकेट्स है आपके पास, या 10वीं पास हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो। आगे बताता हूँ कि ये जॉब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आई हुई है, जिसमें आप सभी को 2 साल तक काम करना पड़ेगा। टेम्पोरी बेसिस भर्ती है, और ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पोरी बेसिस में ये जॉब है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप मतलब कि इंटरेस्टेड हैं भरने के लिए, तो आप जरूर भरिएगा। मैंने बता दिया कि इसको ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करना है, और इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि कब भरना है, कैसे भरना है। लास्ट डेट में बता दूं, इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहां भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नीचे हर चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी नीचे मिल जाएगा, तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी अच्छी खासी है, ऑनलाइन जो इसको भरना है वो ये वेबसाइट है इसकी ऑनलाइन भरने की, तो आप इसमें जाके ऑनलाइन भर सकते हैं, जो कि सब कुछ प्रोवाइडेड है। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022 5:30 बजे तक, उससे पहले आप भर दीजिए। अगर आपको ये भर्ती अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को शेयर करें, सभी बड़ी को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।